नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज मैं आपको लेके आई हूं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में पड़ते त्रिलोकपुर मंदिर में। आप जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे भी बहुत अच्छी यहां पे आपको देखने के लिए बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा मंदिर है। इसके ऊपर काफी यहां पे हमने सुना है कि झरना भी बहुत अच्छा है, ऊपर लामों का मंदिर भी है और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं यहां पे देखने के लिए। हम यहां पे लोगों से बात करेंगे, आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। आइए चलते हैं ऊपर मंदिर में, देखते हैं कैसा है। आइए हम सभी यहाँ से अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर से बहुत चित्रकारी हुई है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये बनाया गया। आप पीछे भी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ भी इस साइड हर तरीके से बहुत ही अच्छी चित्रकारी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं उस टाइम के जो लोगों ने बनाए ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। सिर्फ पत्थर पे, किसी भी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ पत्थर पे ही हर एक चीज जैसे बनाई गई है यहाँ पे और पीछे भी। इससे ज्यादा जानकारी के लिए आइए हम ऊपर चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आकाश बनाए भोले महादेवा।
रखे हुए हैं। जी सर, मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे सर? यहाँ पे ना प्राचीन समय में भगवान जी ने उस समय ये जो सारे शेषनाग हैं, साक्षात शेषनाग थे, और इन्होंने छत्रछाया बनाई थी भगवान शंकर के ऊपर, और ये जो दोनों कपड़े से ढके हुए हैं ये सोने के खंभे थे, और इनके बीच में ही बैठते भगवान शंकर जी तप करते थे, और इनके मुखों से उस टाइम में शेष नागों के मुखों से दूध की बूंदें गिरती थी और शिव जी की जटाओं पर पड़ती थी। तो एक समय गडरिया आया जहाँ पे भेड़ बकरियाँ चराने के लिए, तो उसकी भेड़ बकरियाँ इस गुफा में प्रवेश कर गई। वो उनको ढूंढता ढूंढता जहाँ पे पहुँचा उसने देखा कि जहाँ पे कोई साधु बाबा आँखें बंद करके सोया हुआ, क्यों ना थोड़ा सा सोना काट लूँ। उसने फर्स्ट वाले खंभे में से सोना काट लिया। जैसे ही सोना लेकर वो इस गुफा से बाहर जाता उसकी आंखों की जो रोशनी है वो चली जाती, फिर वो बार बार वापस आकर वही सोना रख देता तो उसको दिखाई देना शुरू हो जाता। वो बार बार ऐसे ही प्रयास करे, फिर भगवान जी अपने ध्यान में सब कुछ देख रहे थे, वो बार बार ऐसे ही प्रयास करे तो भगवान जी ने उसे क्रोध में आकर श्राप दिया और भेड़ बकरी से ही यही पत्थर के रूप में तब्दील कर दिए। जो कपड़े से ढके जो सोने के पिल्लर थे वो भी पत्थर के रूप में बदल दिए, और शेष नागों के मुखों से जो दूध निकलता उसकी जगह जल टपकने शुरू हो गया। ठीक है, बोलो शंकर भगवान की जय। जी हाँ, जैसे कि आपको पंडित जी ने अभी बताया कि ऊपर शेषनाग जी बने हुए हैं, जैसे कि उन्होंने अभी आपको सारा दिखाया, आप ऊपर मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे कलाकृतियाँ हुई है, और कैसे जो भी पंडित जी ने अभी बताया कि मतलब जैसे वो जटाओं से जैसे दूध निकलता था वो पानी में तब्दील हो गया, आप हर चीज यहाँ पे देख सकते हैं। सतयुग के टाइम से हर एक चीज बनी हुई है, इसमें किसी तरह का कुछ भी बाहर का कोई मटेरियल इसमें यूज नहीं हुआ है, ये हर एक ओरिजिनल चीज है नेचुरल तरीके वाली। जय हो भोलेनाथ। स्वामी बोले महादेवा, महादेवा ओ महादेवा, इन लोगों के स्वामी बोले महादेवा, महादेवा ओ महादेवा, बोले अंतर्यामी शिव मेरे महादेवा, कई तरह की कुछ सामान रखा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं लोगों के लिए। आइए हम इनसे थोड़ी सी बात करते हैं और आपको जी सर आपका नाम जी सर ये आपकी शॉप है जी, कौन से ज्यादा मौसम में ज्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं? सो कैसा चल रहा है, मतलब लोगों का आना जाना कितना हो रहा है और कितना मतलब लोग यहाँ पे आ रहे हैं? ऐतिहासिक सर आपका नाम क्या कहते हैं आपकी शॉपिंग? ये मंदिर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है सर? कितना इन लोगों का आना जाना है यहाँ पे, कितनी श्रद्धा से लोग आते हैं यहाँ पे? गर्मियों के टाइम में ज्यादा आते हैं और यहाँ भी कोई मतलब मंदिर की कोई ऐसी बात है? मैम आपका नाम कहाँ से आया? फैमिली के साथ आए हैं जी मैम, मतलब आपका क्या मन हुआ यहाँ पे मंदिर में जाएंगे आप, तो मतलब क्या सोचते यहाँ पे आए? शिव जी की भक्ति, तो इसलिए शिव जी के मंदिर की वो जाती के लिए यहाँ पे भी इस मंदिर का, इन लोगों ने पहले से सोचा था कि यहाँ पे जाना है, तो इसलिए यहाँ पर। थैंक
कितने टाइम से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं फर्स्ट टाइम हूँ। कैसा लग रहा है आपको दर्शन? अच्छा लग रहा है। सर आपका नाम? तरुण भाई। कहाँ से आए सर? कानपुर। अभी तो मनाली से आ रहा। आपका क्या मन हुआ कि मतलब यहाँ पे आएंगे आप, मंदिर में जाएंगे? मैं जब भी यहाँ से जाता तो दर्शन करके जाता। यहाँ पे दर्शन किया, कैसा लगा आपको? किस चीज़ के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है ये मंदिर? भोलेनाथ का मंदिर है, काफी बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे बताते हैं कि पहले जो सोने का जो काम घर में था, तो गडरी आया तो कुछ ऐसे ही बताते हैं यहाँ पे कि सोना ले जाने लगा, आज हो गया। तो भोले बाबा के मन में आया कि आज ये ऐसा है तो कलयुग में अभी क्या होगा, तो उसकी वजह से पत्थर का तब हो गया, उसे नलता था, पहले दूध निकलता था, थोड़ा पानी निकलता है, तो सब बहुत प्रचीन मंदिर। तो जब भी यहाँ से आते दर्शन करते हैं। सुख तेरे बनाए भोले महादेवा, दर्शन भी किए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। आप भी अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, यहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, हर एक चीज़ अच्छा, माहौल है और अच्छा, आपको कलाकृति भी देखने के लिए मिलेगी। और भगवान की जो हिस्ट्री है भोलेनाथ की, क्या हुआ था यहाँ पे इससे पहले, किस लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है, हर एक चीज़ जानने के लिए मिलेगी। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के लिए। हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए बने रहे हिंदुस्तान पे, और देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।